Hello dear friends, now today we will understand a type of formula which is very famous to find out the normality and molarity of H2O2 using a specific definition or a formula. And the formula is very very well known formula. You might be knowing this formula, that is volume is equal to 5.6 into normality and volume is equal to 11.2 into molarity. So this is a very important formula and I want to make you understand that you can derive this formula. आपको ये समझ में आना चाहिए कि formula कहाँ से आया है. देखो एक shortcut है, JEE NEET में बार बार से पूछा जाने वाला एक question है, but we need to understand the concept behind this. Okay, so to understand this concept, let us understand what is H2O2. See, market में जो H2O2 available होता है, that H2O2 is available as a 10 volume, 20 volume, 30 volume, means उसके अंदर, उस solution के अंदर H2O2 के gram different different होगे. So अगर वो 10 volume H2O2 होता है, तो उसका meaning ये होता है कि 1 ml H2O2 gives out 10 ml of oxygen upon decomposition, and decomposition कुछ ऐसे होता है कि H2O2 वो H2O और O2 में कन्वर्ट होता है. जब उसका STP मेंटेन करे तो हम ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो H2O एंड O2 में डिकम्पोज होता है. 20 वॉल्यूम का मतलब होता है कि ऐसे सॉल्यूशन का मैं 1 ml ले लूँ तो दैट कैन प्रोड्यूस 20 ml ऑफ ऑक्सीजन. एंड 30 वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि ऐसे सॉल्यूशन का अगर मैं 1 ml ले लूँ तो दैट कैन प्रोड्यूस 30 ml ऑफ ऑक्सीजन बाई दिस मैथड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड, वी हैव लाइक ए काइंड ऑफ फैक्ट कि अगर मुझे H2O2 के ग्राम निकालने हैं 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन में, तो ग्राम कैसे निकले. तो एक फैक्ट है कि भाई 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब होता है परसेंटेज में 3.035%. और इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए ये हमने एक फार्मूला, वही वाला फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है. इसका मतलब ये होता है कि 68 ग्राम H2O2 जब हम लेंगे तो उसमें से 22,400 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस निकलेगा. ओके, ये STP कंडीशन मेंटेन करी होगी तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 68 ग्राम H2O2 जब हम लेंगे तो उसका डिकम्पोजिशन होने से उसमें से 22,400 ml ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन गैस निकलेगा. सो लेट अस टेक इन अ रिवर्स टर्म, 22,400 ml ऑफ O2 एट STP कैन बी प्रोड्यूस बाय 68 ग्राम ऑफ H2O2. And similarly, 10 ml of O2 at STP can produce how many gram of H2O2? Why we are taking 10 ml of O2? Because this 10 ml of O2 can be produced from 1 ml of H2O2 solution which is supposed to have a 10 volume. तो अगर कोई 10 volume का solution मैंने लिया है, उसका 1 ml H2O2 लिया है, तो उसमें से मुझे कितना ml oxygen मिलेगा 10 ml of O2. और वही मुझे तो फाइंड करना है कि 10 ml ऑफ O2 जब निकलेगा तो उसके अंदर कितने ग्राम H2O2 का डिकम्पोजिशन हुआ होगा. ओके, नाउ अकॉर्डिंगली व्हेन वी फाइंड वी वुड बी गेटिंग दिस आंसर, दैट इज 0.03035 ग्राम ऑफ H2O2 इट इज हैविंग इनसाइड व्हेन देयर इज अ 10 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, नाउ दिस 10 ml ऑफ O2 को अगर मैं एक कॉमन टर्म में ले लूँ यहाँ से कि भाई मैं ऐसा बिलीव करूं कि भाई चलो ये VML O2 है, तो मैं VML O2 के लिए भी ये काम कर सकता हूं. आई जस्ट वॉन्ट टू रीडिफाइन दिस फॉर्मूला इन द अदर वर्ड्स लाइक दिस. लेट अस अंडरस्टैंड दैट वी विल बी टेकिंग दैट वी, बट लेट अस अंडरस्टैंड, कैन आई राइट दिस सेम थिंग, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP can be produced by 68 gram H2O2. So if I take V liter, similarly here it is ml was given, I am taking V liter of O2 at STP can be produced by how many gram H2O2. Okay, so if we simplify this formula by cross multiplying, so V liter into 68 gram upon 22.4 liter, I will cancel liter, so the value of gram of H2O2 would come 68 upon 22.4 into V
ग्राम ऑफ H2O2। सो इतने ग्राम H2O2 होगा जब वो सॉल्यूशन लीटर के कॉन्सेप्ट में होगा। तो ये सॉल्यूशन V की वैल्यू लीटर में जब हम लेंगे, V वॉल्यूम को हम लीटर में लेंगे, तो इतने ग्राम H2O2 होगा। सो नाउ आई वॉन्ट टू यूज दैट ग्राम विच इज ऑब्टेन बाय द 10 वॉल्यूम और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 एंड इन टू द नॉर्मलिटी फॉर्मूला। सो वॉट इज नॉर्मलिटी फॉर्मूला? सी, नॉर्मलिटी फॉर्मूला इज दैट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इन टू 1000 अपॉन ml ऑफ सॉल्यूशन। सो इस 1000 वाले फॉर्मूला को हम लीटर वाले फॉर्मूला में पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो द फॉर्मूला विल बिकम गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ए लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। नाउ फ्रेंड्स, हमारे पास जो ये गिवन मास है, उस गिवन मास को हम ये कंसिडर करेंगे क्योंकि हम वी वॉल्यूम के लिए काम कर रहे हैं, हमें एक फॉर्मूला बनाना है वी के कॉन्सेप्ट में। तो हमारा गिवन मास हो जाएगा 68 अपॉन 22.4 इंटू वी ग्राम विच इज डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 इज ऑब्टेन बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज 68 इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय द मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मल्टीप्लाइड बाय 8। ऐसा एक फॉर्मूला है, ऑक्साइडों में ये फॉर्मूला कॉमन है, तो आपको इसका इक्विवेलेंट मास मिलेगा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट में। बट इसका सिंपल सा तरीका भी है कि H2O2 को आप 2 से डिवाइड करो, जैसे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कि किसी भी मोलर मास को उसके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको इक्विवेलेंट मास मिलता है। तो अल्टीमेटली इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 इज 17 एंड आई पुट हियर। और इसका अगर मैं सिंप्लीफिकेशन निकालूँ, वी को सब्जेक्ट में ले लिया जाए, तो वी वुड बी दिस 17 विल गो मल्टीप्लाई विद द नॉर्मलिटी। सो 17 मल्टीप्लाई बाई दिस 22.4 मल्टीप्लाई बाई द नॉर्मलिटी अपॉन 68। और इसका जो आंसर आएगा वी इज इक्वल टू दैट इज 5.6 इंटू नॉर्मलिटी विच इज़ वी आर लुकिंग फॉर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला को मोलारिटी के वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, तो अगेन सेम है, बट यहाँ पे इक्विवेलेंट मास की जगह पे हम मोलर मास लगा देंगे। तो अगर मैं मोलर मास लगाऊंगा तो ये फॉर्मूला चेंज हो के ये बन जाएगा कि भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलारिटी। सो हमारे पास दोनों फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी एंड वी इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलारिटी। ये दोनों ही फॉर्मूला बहुत ही वंडरफुल फॉर्मूला है, JEE नीट के क्वेश्चनों में ये बहुत बार इस कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन बने हुए हैं। सो प्लीज़ मेक दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर, डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो, बट हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थैंक यू।